करेंगे कुछ और खबरों का। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के सनातन धन पर आपत्तिजनक बयान पर कहा, कांग्रेस मुस्लिम और ईसाई तुष्टिकरण की नीति अपना रही है और हिंदू धर्म से बैर रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई हिंदू धर्म का जयकारा लगाए। या तो कांग्रेस ऐसे लोगों से जवाब मांगे या तो अपना पक्ष स्पष्ट करे। ये जो कांग्रेस में कह रहे हैं वाला नहीं चलेगा, कह रहे वाला नहीं चलेगा, निकाल के बाहर करो। घमंडी जो गठबंधन है उससे बाहर करो। और करना जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के ने बोला है, प्रियंक क्या नाम है उसने जो बोला है वो, खड़गे साहब के सुपुत्र साहब ने जो बोला है वो, और इसलिए ध्यान रखो, पूरी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना रही है, पूरी कांग्रेस ईसाई तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म से बैर रखती है, ये नहीं चाहती कि भारत में सनातन धर्म की जयकारा हो। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कांग्रेस से खुल्लम खुल्ला जवाब मांगो, या तो इनको निकाल कर बाहर करो या फिर देश की जनता, धर्म की जनता, सनातन की जनता कांग्रेस को मुंह तोड़।